हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। तो आज है ब्रेकफास्ट में थर के लिए दूध वाला ओट्स और बनी है दाल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनली सबके सब ऑफिस जा चुके हैं, अथर स्कूल जा चुका है और हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन था तो वो निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। तो ये है फाइनल लुक मेरे घर का। मतलब इतना सुकून, इतनी शांति और इतनी सफाई, तो भैया पता नहीं कितने महीनों बाद मुझे देखने को मिली है। तो चल रहा है मेरा शो इमली और घर अच्छे से साफ क्लीन हो चुका है मेरा, डस्टिंग वस्टिंग भी हो चुकी है और ये देखिए हर चीज़ अपनी जगह पे है। कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये मैंने थोड़ा सा DIY किया था आइसक्रीम स्टिक के साथ, अथर्व के लिए आया था, तो माइंड मत करना वो ग्रीन कलर के स्टिक को। तो ये है लुक फाइनल हॉल का और ये डक्की लेटी हुई है मेरे और अथर्व की जगह। तो फाइनली अथर्व स्कूल से आ चुके हैं और इनको होमवर्क मिली है आज फिश बनाना है फिंगरप्रिंट करके, देखते हैं करते कि नहीं। तो आज सरकार का मूड ठीक था तो भाई फिश तो रेडी हो चुकी है। और एक गुड न्यूज़ और है कि फ़िश के साथ साथ इन्होंने 10 भी अपने मर्जी से ही आज लिख लिया है, तो गुड बॉय बने हैं आज अथर। फिर हमने फटाफट किया लंच, तो लंच में जो दाल बनी थी, दाल की पता है क्या थी, पंचमेल दाल थी, इसमें राजमा चना सब कुछ था। तो फटाफट लंच करके हम सोएंगे अब। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो इवनिंग क्या है, नाइट है, डिनर की तैयारी हो रही है और जैसा कि आपको पता है हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है तो प्रॉपर डिनर तो बनने से रहा। तो लेफ्ट ओवर राइस था उसका ही मैंने सोचा ना फ्राइड राइस बना देते हैं, तो मैंने सोया फ्राइड राइस बनाया था। तो गार्लिक और प्याज को चॉप करके ऑयल में फ्राई करने के बाद मैंने सोयाबीन और कॉर्नस को अच्छे से उबाल लिया था नमक डाल के, वो डाल के 2 मिनट भुनेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, सोया सॉस भी एज़ पर टेस्ट, मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मसाला डाला था स्पाइसीनेस के लिए, थोड़ा पानी डाला था कि अच्छे से जो आपका सोयाबीन है वो मसालों को और सॉस को सोक कर ले। बहुत ही इजी एंड रफ एंड टफ फ्राइड राइस है ये। फिर लेफ्ट ओवर राइस डाल के अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे कि हमारा राइस टूटे भी ना और काम भी बन जाए हमारा। तो आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, अगर आपके पास हो तो हरा धनिया या स्प्रिंग ऑनियन तो आप वो भी डाल सकते हो। और नॉन स्टिक कढ़ाई हो आपके पास तो आप ज़रूर यूज़ करना, मुझे भी लेनी है, बस कब लेना है मुझे नहीं पता, बस लेना है। फिर लास्ट में मैंने गैस का फ्लेम किया था ऑफ और डाला था विनेगर थोड़ा सा, मतलब हाफ टी स्पून, और ये हमारा फ्राइड राइस रेडी है। तो चलते हैं फटाफट करते हैं डिनर। अच्छी सी खुशबू आ रही है, आप भी ट्राई करना। देखो चावल से ज़्यादा इसमें आपको सोयाबीन दिखेगा, तो हाई प्रोटीन वाला है, तो जल्दी से खा लो आप भी बना करके ये। फिर क्या, अथर्व की मस्ती चालू थी, अथर्व गाना सुना रहे थे अपनी मामी को और मस्ती करते हुए हम अब इस ब्लॉग को यहीं करूँगी एंड, क्योंकि आज मैं हूँ बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स। ऐसा लग रहा है ना कि हस्बैंड नहीं है तो ना कोई काम है ना कुछ ना है, मतलब घर में एकदम शांति सी बनी हुई है। तो इस शांति को इंजॉय करते हैं और आपको गुड नाइट करते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो तो प्लीज़ फटाफट कमेंट में मुझे बताइएगा और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ।